हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 18.53 पे काम कर रहा है। पॉइंट वाइज 0.48 पॉइंट्स का ही गेन है, लेकिन परसेंटेज वाइज 2.66% का गेन देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में अब नजर डालेंगे तो जून महीने में जिस लेवल के आसपास हम काम कर रहे थे 18, उसी लेवल में हम पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया विक्स के अंदर पे। इसका क्लियर कट मतलब क्या होता है? क्लियर कट मतलब ये होता है कि बड़े बड़े मूव्स के लिए आइदर साइड तैयारी रखिए, और वैसा ही कुछ आज देखने को भी मिला। निफ्टी बढ़िया ब्रेकडाउन देखने को मिला, यानी अच्छा खासा लेवल नीचे गया, फिर वहां से लगभग 100 पॉइंट का अपमूव यानी रिकवरी भी देखने को मिली। बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे, रिकवरी में 38,000 के ऊपर एंड 37,945 के आसपास का सेटलमेंट होते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर डिस्काउंट में है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत प्रीमियम में काम करता हुआ दिख रहा है। दो दिन बाकी है इस मंथ की एक्सपायरी में, और उस टाइम पे अगर 50 पॉइंट का प्रीमियम है तो ठीक ठाक है। उस हिसाब से अगर पूरा आज का दिन देखने के लिए जाएं तो एक चीज समझ में आता है कि हाँ, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिल रही है, लेकिन इस फॉल के बाद में जिस तरह का थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, उसके बाद में क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा या आगे जाके हमें वापस से 17,850-900 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं आज के दिन में हमने पोजीशन कौन सी बनाई हुई थी। मॉर्निंग में हमने लॉन्ग किया हुआ था निफ्टी पोजीशंस को, एंड डेफिनेटली बैंक निफ्टी पोजीशंस को भी हमने लॉन्ग किया हुआ था। एक निफ्टी पोजीशन ओपन है, बैंक निफ्टी 38,000 का कॉल ऑप्शन हमने लगभग 300 रुपीस के आसपास बाय किया था, लेकिन जब मार्केट गिरा तो 120 के आसपास उसे हमने एवरेज करके 210 पे लाया। ऑलमोस्ट 4 लॉट है हमारे पास में, क्योंकि लगभग आज हमने 4 ट्रेड लिए थे, तो उसमें से एक ट्रेड आज हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो कि लगभग 3,000 रुपीस के प्रॉफिट के साथ में हुआ। अभी भी 38,000 का कॉल ऑप्शन ओपन है, और जो निफ्टी के अंदर में हमने पोजीशन बनाई हुई थी वो पोजीशन भी अभी भी ओपन है। सो कल के दिन में समझने की कोशिश करेंगे कि उसे कब स्क्वायर ऑफ करना है, या तो प्रॉफिट बुक करना है या लॉस बुक करना है। कल के दिन में उसे हम ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, या तो यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि इसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। इसी के साथ में अभी तक जितने भी ट्रेड्स हमने शेयर किए हैं लगभग 73.67% के सक्सेस रेशियो के साथ में यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ में सेकेंड एनिवर्सरी हमारे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, जहाँ पे आपको 1 month फ्री मेंबरशिप और 25% ऑफ ऑन दी मेंबरशिप, और या तो बाय वन गेट वन फ्री सर्विसेज, दिस काइंड ऑफ ऑफर इज अवेलेबल, जो आप स्पिनिंग व्हील के जरिए ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के फॉल में जिस तरह से देखने को मिला हुआ है, क्या निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन में अपर लेवल दिखाएंगे या आज के लो को तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, चांसेस किस बात का है। एट द सेम टाइम डेरिवेटिव डेटा भी समझने की कोशिश करेंगे। कल के दिन में डेरिवेटिव डेटा थोड़ा लेट अपलोड हुआ था, लेट इन द सेंस काफ़ी लेट अपलोड हुआ था, जिसके चलते हमने डेरिवेटिव डेटा पे वीडियो नहीं डाला था। आज के दिन में अभी तक डेरिवेटिव डेटा का वीडियो नहीं आया हुआ है, जैसे ही आएगा डेफिनेटली उसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी और डेरिवेटिव डेटा, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। नाउ जिस तरह से निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने को मिला, डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन देखने को मिला। लगभग 1000 पॉइंट का फॉल क्लियर कट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। हाई बनाया कहां? 38,377 का, कल के मुकाबले लगभग 22 पॉइंट्स अप। सो लाइफ टाइम हाई बनते हुए नजर आया आज के दिन में। एट द सेम टाइम पिछले दो दिनों में जो पॉइंट्स था, तीसरा दिन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, रीजन बिंग तीसरा दिन लो था उसे 37,200। सो लोवेस्ट पॉइंट की तरफ जाते हुए नजर आया, जो लो पॉइंट था 38,377 के आसपास का, यानी स्टॉप लॉस हंटिंग होते हुए नजर आया है। नाउ क्वेश्चन अगर समझने की कोशिश करें कि क्या ये कैंडल में हो क्या रहा है, एग्जैक्टली दिख क्या रहा है, सो एग्जैक्टली ये कैंडल आपको 50% प्रॉफिट बुकिंग, 50% बाय ऑन डिप्स वाली अपॉर्चुनिटी, ये काम करते हुए दिख रहा है। क्योंकि लगभग 37,300 पॉइंट था लो, 37,315 पॉइंट्स का लो था,
वहां से 37,900 प्लस पे क्लोज हुआ है. सो दिस इज नॉट क्लोजिंग, इज नॉट 37,873, इट इज अराउंड 37,900 प्लस पॉइंट, 945. सो डेफिनेटली एक बढ़िया रिकवरी वहां से देखने को मिली हुई है. अब इस सब प्रोसेस के चलते हुए डेफिनेटली थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, माफ करेगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए नजर आई हुई है, पर बाय ऑन डिप्स अभी भी देखने को क्लियर कट मिल रहा है. सो कैन आई से हायर हाई पैटर्न? यस, इट इज एन हायर हाई पैटर्न बट लोअर लो पैटर्न ऑल्सो. सो दिस इज समथिंग नॉट हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो पैटर्न. क्या करना चाहिए? बाय ऑन डिप्स दिख रहा है तो बाय ऑन डिप्स में अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी तो बाय करना चाहिए. अगर आप देखेंगे तो बोलिंगर बैंड के ऊपर से हमने काफी ओपनिंग की थी लेकिन इनसाइड हमने क्लोजिंग दी हुई है. टिल द टाइम वी डोंट क्लोज बिलो 37,800 तब तक थोड़ा पॉजिटिव मूड रखिए, ज्यादा चांसेस है कि हम ऊपर की तरफ काम करते हुए नजर आएंगे. फिर इन दैट केस जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी काम कर रहा है, लगभग 86 पॉइंट डाउन, नेटजेक 347 पॉइंट डाउन, हो सकता है कल के दिन में रिकवरी देखने को मिले और 38,000 के ऊपर के लेवल दिखाते हुए भी नजर आए. सो ज्यादा चांसेस पॉजिटिव साइड में है क्योंकि पुट कॉल रेशियो अभी भी डाउन है, वहां से एक बार रिकवरी देखने को आपको मिल सकती है. आरएसआई देखेंगे, 70 के नीचे हम आ चुके हैं, गए भी नहीं थे इनफैक्ट, 760 से 870 के आसपास पहुंचे थे लेकिन 63 के आसपास फिर से आ चुके हैं. पहले भी 62 के आसपास में आरएसआई आने के बाद में रिएक्शन करता था, मैं उम्मीद लगा रहा हूं शायद फिर से कल के दिन में रिएक्शन देखने को मिले. ओवरऑल कल के दिन अगर बाय, अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है तो एक बार बाय करना चाहिए. अगर हिम्मत नहीं होती है तो कल का दिन के लिए नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए एक बार जरूर बाय करिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में आपको अपमूव देखने को मिल सकते हैं. सो लेबल्स कौन से ध्यान में रखें जिसके चलते हुए थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने के चांसेस रहेगा? पहला लेवल जो आपके दिमाग में आना चाहिए डेफिनेटली आज का लो. अगर पोजीशन बनानी है आपको और मिल जाता है, लेट्स से आपको पोजीशन मिल जाती है 37,500 के आसपास में, सो वहां से आप, लेट मी राइट इट, सो 37,500 के आसपास में मिलता है तो एक बार बाय करना चाहिए. लो बनेगा 37,300 के आसपास का, ये स्टॉप लॉस रहेगा. ऊपर की तरफ टारगेट आपका जो बनेगा वो होगा 37,800 का, 38,000 का, 38,200 का, 38,500 का, ये एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है. इसके अलावा शॉर्ट करना है क्या? 38,500 के आसपास में मिले तो एक बार शॉर्ट करिए, कोई उसमें सोचने की बात नहीं है. 38,600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे की तरफ 38,200 एंड 38,000 के टारगेट के लिए एक बार काम करते हुए नजर आ सकते हैं. सो दोनों तरफ के मूव पॉसिबल है, एक बार नीचे मिलेगा तो रिकवरी होगी. नजर रखिएगा इनकेस ये जो इंपॉर्टेंट लेवल आप देख रहे हो ना 38,048 से 38,112, अगर इसको तोड़ के ऊपर की तरफ काम करता है तो आप बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, 38,400 की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी. क्यों बोल रहा हूँ, ऑप्शन चैन में खुद ही देख लीजिए, क्लोजिंग हुए 37,945 तो 37,900 एट द मनी होगा. बट एट द मनी को काउंट ना करते हुए मैं 38,000 के बारे में बात करूंगा. क्यों 38,000 के बारे में बात कर रहे हैं? रीजन बड़ा सिंपल है, 500 का मल्टीपल है तो यहाँ पे आपको पोजीशंस देखने को मिलेगी 70,679 एंड 47,433. कॉल एंड पुट दोनों साइड में ही आपको पोजीशन देखने को मिल रही है. डेफिनेटली 38,000 का कॉल ऑप्शन बड़ा आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, देन दी सपोर्ट. बट इवन देन अगर आप इसे समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने क्लोजिंग 38 के नीचे की दे दी है आज के दिन में, और कोई बड़ी रीजन नहीं है. जिस तरह से रिकवरी हुई है यहाँ पे आपको दिन के दौरान लगभग 2 बजे के आसपास में बढ़िया राइटिंग थी जो कम होकर सिर्फ और सिर्फ 21,090 के आसपास रुकता हुआ नजर आ रहा है. सो जो नंबर्स थे वो नंबर्स कम होते हुए नजर आए, सिंपली अगर उसको बोलने की कोशिश करें तो. हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होके अभी भी 39,000 पे शिफ्ट होके, इन द सेंस ऊपर की तरफ 37,000, नीचे की तरफ 39,000 एंड क्लोजिंग एग्जैक्टली 38,000. यानी बड़ी रेंज के बारे में बात करें जो कि देखने को नहीं मिलेगा वो होगा 37,000 से लेकर 39,000 के बीच का. छोटे रेंज के बारे में बात करें सो 37,500 पे लगभग 46,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, बट उससे अच्छा ठीक ठाक 38,000 दिख रहा है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिकवरी हुई थी, उसके चलते हुए एक बार पुश मिल सकता है, ये उम्मीद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ. सो अगर नीचे की तरफ 37,500 वगैरह लेबल मिले जो हमने ऑलरेडी चार्ट पर डिस्कस किया है, बाय करने की कोशिश करिए. ऊपर की तरफ से 38,500 की यात्रा एक दो दिन में संभव
है, चांसेस बनते हैं इसके। सो रेंज बड़ी हमने बात कर ली, छोटी रेंज समझनी है 37,500 से 38,400 के बीच की हो सकती है, उससे छोटी रेंज में बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया वेक्स 18 पे काम कर रहा है, मतलब बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।